बलरामपुर के थाना हराया से एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री कुंवर प्रताप सिंह द्वारा थाना पचपेड़वा क्षेत्र अंतर्गत पचपेड़वा कस्बे में पुरानी बाजार कावड़ यात्रा मार्ग पर सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक व थाना पचपेड़वा पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। थाना उतरौला जनपद बलरामपुर शांति भंग में 4 व्यक्ति गिरफ्तार। उतरौला बलरामपुर में शांति भंग के मामले में 4 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। उक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर CRPC की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय अतरौला भेजा गया। बलरामपुर में पूरे वाले जलाभिषेक के संबंध में थाना स्थानीय के कर्मचारी गण को ब्रीफ किया गया और श्रद्धालु को विनम्रता पूर्ण व्यवहार करने वाला राजक तत्वों से निपटने के संबंध में निर्देशित किया गया। राजस्थान के कोटा सामाजिक कार्यों के लिए कमेटी सदस्यों का सम्मान। मंगलम लेडीज क्लब सर्वोदय बिहार की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर सामाजिक कार्यों के लिए कमेटी सदस्यों का सम्मान किया गया। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन के 100 दिन पूरे। प्रदर्शनकारियों का ऐलान, व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव होने तक जारी रहेगा आंदोलन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। बीजेपी ने मॉक पोलिंग के जरिए दी विधायकों को ट्रेनिंग, यूपी की अहम भूमिका। अमरोहा सड़क हादसे में बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत। साथियों ने किया जमकर बवाल, 7 बसों में तोड़फोड़। पंचायत चुनाव में बीजेपी का दावा, 84% सीटों पर फतेह। कांग्रेस ने दावे को बताया फर्जी। संजय राव का बीजेपी पर हमला, कहा उद्धव ठाकरे के बढ़ते कद से परेशान थी भाजपा, इसलिए हुई सरकार गिराने की साजिश। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।